हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, लेटेस्ट पीसी बनाएंगे, आज एक पीसी बिल्ड करेंगे जिसकी प्राइस रहेगी 15,000 से भी नीचे। तो पीसी बिल्ड करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी ज़रूरी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से निकलिएगा। और आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का थोड़ा सा भी खतरा है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट के थ्रू मिल रहे हैं आपको, उसे प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। और मैं बाकी यूट्यूबर से भी कहूँगा कि इस वीडियो को, यानी कि आप भी अपने वीडियोस के अंदर जो है इस बात को प्रमोट कीजिए, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अपने आसपास के लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखें और घर से कम बाहर निकलें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, वरना जितना हो सके घर के अंदर ही रहें, लगातार हाथ धोएं। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए, आप अच्छे से जानते हैं इन चीज़ों को, तो यही मैं कहना चाहता था इस वीडियो के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम पीसी बिल्ड की। तो इस पीसी के अंदर हमने सबसे पहले बात कर लेते हैं कि प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया है। तो जो सीपीयू हम यूज़ कर रहे हैं वो है एएमडी का 200GE। ये जो प्रोसेसर है ये ऑलमोस्ट सेकंड नंबर पे आता है, जो सबसे सस्ता प्रोसेसर है। इससे भी सस्ता एक प्रोसेसर और आता है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जिसके अंदर मैंने 10,000 रुपीज़ का एक पीसी बिल्ड किया था। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो पीसी बिल्ड हम कर रहे हैं, इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं एथलॉन का 200GE। ये है एक एएमडी का प्रोसेसर, हमने इंटेल का कोई प्रोसेसर यूज़ नहीं किया है अभी इन दिनों में, क्योंकि अब आज के टाइम में जो है एएमडी ज़्यादा अच्छे आपके वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स दे रहा है, तो हमने एएमडी का प्रोडक्ट ही चूज़ किया है। तो ये जो प्रोसेसर है ये आता है 2 कोर 4 थ्रेड के साथ। बेस क्लॉक है इसके अंदर 3.2 GHz, AM4 सॉकेट के अंदर ये लग जाता है। साथ में इसके अंदर आपको 2 GB का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है। तो ग्राफिक कार्ड अगर आप अलग से नहीं भी खरीदना चाहते और गेमिंग करना चाहते हैं तो वो आप इसके अंदर कर पाएंगे। लगभग लगभग मीडियम सेटिंग्स पर आप इसके अंदर गेमिंग ईजिली कर पाएंगे। तो 40 to 50 FPS जो है ये निकाल देता है ये ग्राफिक कार्ड, सॉरी ये जो सीपीयू है ये इजीली निकाल देता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वेगा 3 का ग्राफिक कार्ड इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, कुछ इस तरह का आपको डिज़ाइन मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एथलॉन की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। तो इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 3,600 रुपीज़ के आसपास प्राइस रहती है, और कम होकर के अगर आप कोई सेल में लेंगे तो इसको आप 34 से 3,500 रुपीज़ में भी खरीद पाएंगे। कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि है हमारा मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में हमने चूज़ किया है MSI का मदरबोर्ड, जो कि है A320M। इस प्रोसेसर के लिए 320 सीरीज़ जो है वही बेस्ट रहेगी, क्योंकि वो सबसे सस्ती भी आती है और उस बजट के अंदर आपको सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। कुछ चीज़ों के साथ आपको इस मदरबोर्ड के अंदर जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो है एक तो HDMI केबल। तो वो जो HDMI केबल है वो आपको नहीं मिलेगी। साथ में ही अगर आप राइजन का कोई इन फ्यूचर अपग्रेड करते हैं, यानी कि कोई नया मदरबोर्ड, सॉरी नया सीपीयू लगाते हैं, जैसे कि 3rd जनरेशन का, तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये जो मदरबोर्ड है ये 2nd जनरेशन तक सपोर्ट कर लेगा इजीली। 3rd जनरेशन में इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बायोस हो सकता है ये अपडेट ना हो। तो या तो आप इससे ऊपर की मदरबोर्ड पे आपको जाना पड़ेगा, जो कि लगभग 4,500 तक का पड़ सकता है आपको। इसमें HDMI केबल भी आपको मिल जाएगी, यानी कि HDMI का पोर्ट भी आपको मिल जाएगा, और साथ में ही आपको फ्यूचर के लिए जो है वो भी एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि आप राइजन का कोई भी 3000 सीरीज़ वाला भी जो सीपीयू है वो लगा पाएंगे। तो अभी तो हम इसी के साथ स्टिक करेंगे, जो कि MSI का 320M। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। 7th जनरेशन का ए सीरीज़ और एथलॉन का कोई भी आप AM4 वाला सीपीयू इसके अंदर लगा पाएंगे। साथ में ही DDR4 की जो रैम है वो 3000 MHz तक आपको सपोर्ट करती है, लेकिन ये जो सीपीयू है ये सिर्फ 26600 तक ही सपोर्ट करता है। तो हम वहीं तक की ही रैम लेंगे, उससे ऊपर पे जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है इस बिल्ड के अंदर। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि है रैम। तो रैम हमने लगाई है 8 GB की रैम DDR4 वाली, जो कि क्लॉक्ड है 2400 MHz पे। काफ़ी अच्छी रैम है ये वाली, ए डेटा की सबसे सस्ती रैम ये आती है 2400 MHz की, हमने लगाई है इजीली। आप इसको लगा सकते हैं, लगभग 2600 रुपीज़ की आपको ये पड़ रही है अभी इस टाइम पे। अगर इससे कम की भी आपको मिल रही है ऑफलाइन मार्केट में, तो आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप 3000 MHz तक लगाते हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि इस बिल्ड में आप 3000 MHz तक या इससे महंगी कोई भी रैम परचेज़ करें, क्योंकि वो आपको इतना ज़्यादा
परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी, क्योंकि ये जो बिल्ड है ये बहुत ही बजट बिल्ड है। अगर आप ज़्यादा रैम या ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो फिर आपको हायर बिल्ड पे जाना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इसी के साथ स्टिक करें, या फिर कोई 26600 MHz वाली अगर आपको मिलती है रैम इसी प्राइस रेंज में, तो आप उसको भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको 3000 से कम की नहीं मिल रही है एट प्रेजेंट। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि है SSD। इस बिल्ड के अंदर हमने आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप एक हार्ड डिस्क लगा सकते हैं या फिर एक SSD लगा सकते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप शुरू में एक SSD लगाएं, और बाद में जब आपके पास पैसे आ जाएं तो फिर आप एक 1 TB की हार्ड डिस्क खरीद सकते हैं। 240 GB की SSD हम इसके अंदर लगा रहे हैं, जिसकी प्राइस है लगभग 2600 रुपये। तो 2600 रुपये में आपको 10 टाइम्स फास्टर एक SSD मिल जाती है अपने हार्ड डिस्क से। अगर आप कंपेयर करें तो हार्ड डिस्क उतनी फास्ट परफॉर्मेंस आपको नहीं दे पाएगी, बूट टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन आप खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट आपको रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा, साथ ही कॉपी पेस्ट की जो स्पीड होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप SSD के साथ जाएँ सबसे पहले। 240 GB, इसके अंदर आप आराम से 5 से 6 गेम्स जो हैं ईजिली इंस्टॉल कर पाएंगे, और उसके बाद में आप जो है 1 TB की हार्ड डिस्क के साथ जा सकते हैं। कंपोनेंट की बात करते हैं, जो कि है फॉक्सिन का कैबिनेट हमने इसके अंदर लगाया है। फॉक्सिन का कैबिनेट जो है ये, क्योंकि एक बजट बिल्ड है तो उससे ऊपर पे हम अभी नहीं जा रहे हैं। इसका बेनिफिट ये है कि इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड ही एक SMPS मिल जाती है, जो कि है 500 वॉट की। तो 500 वॉट की आपको SMPS इसके अंदर मिल जाती है, तो आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर फ्रंट में आपको पावर के बटन और 2 USB के पोर्ट मिलते हैं, 2.0 वाले ऑडियो का पोर्ट, साथ में पावर का बटन यानी रीसेट का बटन आपको मिल जाता है। तो 1200 रुपये में आपको कैबिनेट भी मिल रहा है और साथ में आपको एक SMPS भी मिल जाता है, फॉक्सिन कंपनी का ही। तो लगभग आपको 1 साल की वारंटी उसके ऊपर मिल जाती है। बट अगर आप थोड़ा सा और पैसा लगाना चाहते हैं, SMPS आप अगर ये वाली नहीं खरीदना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोई सस्ता सा जेब्रोनिक्स का कैबिनेट ले लीजिए 1000 रुपये का, और साथ में सर्कल की एक जो है SMPS लगा सकते हैं। सर्कल की SMPS अभी काफ़ी अच्छी आ रही है, 400 वॉट की आती है, और इस बजट बिल्ड के अंदर वो काफ़ी अच्छी रहेगी। तो अगर इन सब का टोटल करें तो लगभग 14000 रुपये में ये पूरा बिल्ड कंप्लीट हो जाता है। और थोड़ा बहुत अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने बजट को, तो जैसे कि रैम के अंदर या SMPS के अंदर, तो आपको जो है थोड़े से और रुपए देने पड़ेंगे, लगभग 1000 रुपये एक्स्ट्रा, और आपका 15000 रुपये के अंदर डेफिनेटली ये जो बिल्ड है ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके पास कोई और भी ऑप्शन है इससे अच्छा बजट PC बिल्ड करने का, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम अपनी अगली वीडियो में ज़रूर से उसको शामिल करेंगे। और आई होप आपको जो बिल्ड है ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी कमेंट या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.